ओके हाय एवरीवन। सो आज मैथ सीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इट सेज फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज विजिबल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, एंड लैम्डा की जो रेंज है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ की रेंज आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। राइट, सो जो वेवलेंथ की रेंज है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। एंड ये जो है ये वेवलेंथ की रेंज है, एंड इस वेवलेंथ की रेंज के करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज बतानी है। नाउ आप देखो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आपको स्पीड ऑफ लाइट देता है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ द वेव। एंड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वेव, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 3 × 10 की पावर 8। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैमडा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी 400 नैनोमीटर ना। सो 400 × 10 की पावर -9 ऐसा यूनिट में पुट करेंगे। सो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, हर्ट्स में। 700 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी 700 × 10 की पावर -9। सो आंसर अगेन ऐसा यूनिट हर्ट्स में आएगा। सो देखो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आ गई ना। अब देखो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, राइट, लाइक एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो आपने ये जो रेंज फाइंड आउट की है ना, ये बेसिकली ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज को आप ये वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे सो इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, राइट। ये बेसिकली आपने रेंज फाइंड आउट कर ली है कि इस रेंज में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लाई करेगी देन जो लाइट है वो ह्यूमन आई को विजिबल होगी। कैलकुलेशन बचा, यू कैन डू इट। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। बाय।